नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। इंगोनिया गौशाला जयपुर में हम आए हैं। आप देख रहे हैं सब लैंड, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं हम ऑटू पार्क बाम्बू और नेपियर घास का। रेगिस्तान को राजस्थान बनाने में ये हमारा पहला कदम। जो भी ये गौशाला की ज़मीन पड़ी हुई थी उसमें हम कर रहे हैं चारा और बाम्बू का प्लांटेशन, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, इसके तहत ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। खड़े हो गए ये पूरा परिसर, अभी कर रहे हैं लगभग 100 एकड़ में पहले चरण में। ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे काम करती हुई, डॉक्टर बलराम किसान, अंजलि मैम, सोन भाई है, विकास जी है, जहाँ तक नज़र जाए ये परिसर फैला हुआ गौशाला का। और ऐसे परिसर में आ रहे हम ऑटू पार्क लेके। ये बाम्बू जब भी बाम्बू का प्लांटेशन होगा तो इसका माहौल और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। बाम्बू का घना जंगल और बीच में गाय माताओं के लिए चारा घास। ये ज़मीन अभी पूरी तैयार की गई है, अभी यहाँ पे ड्रिप डाल के बुवाई किया जाएगी नेपियर घास की। काफ़ी सुंदर परिसर, बहुत बड़ा परिसर है। डॉक्टर बलराम जी अपने टीम के लिए कुछ सूचनाएं देते हुए पूरे 100 एकड़ में ड्रिप लगाई जाएगी और मेड़ों पर बीच में जहाँ पे जगह है वहाँ बैम्बू का प्लांटेशन होगा। मित्रों आप देख रहे होंगे ये हवाई जहाज उड़ान लेते हुए। जयपुर का एयरपोर्ट यहाँ से नज़दीक है, तो जो भी हवाई जहाज है यहाँ से उड़ान करते हैं इस परिसर से गुजरते हुए। सब लोग देखेंगे अब या नीचे जब ये सारा माहौल यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ की खूबसूरती ऊपर से भी नापेंगे देखेंगे। और ऑटो पार्क का नज़ारा ऊपर से भी अपने कैमरे में कैद करेंगे। हमारे रास्ते कहाँ कहाँ पर है उनको मार्किंग करना है। हमारे टीम ऑटो पार्क की डॉक्टर बलराम जी साथ में एयरपोर्ट में काम किया है, ये फ्लड इरिगेशन का रखा है ना, ऑटो पार्क में जुड़े हैं अंजलि जी अय्यर,
इसमें डाल चुके हैं अभी? हाँ डाल चुके हैं। ओके, ये वही वाला एक पार्ट है ना जो नेपियर फ्लड इरिगेशन का हो गया, अपना जो ई है उसका कॉर्नर ये आ रहा है। ओके, तो मतलब ये है कि इस प्लॉट के लिए तो ये रास्ता रहेगा ही। हाँ करेक्ट, मतलब इस प्लॉट के लिए ये आएंगे जाएंगे। तो अब ये जो रास्ता है, ये रास्ता दो कंडीशन हो सकती है, ये भी कॉमन हो रहा है अपने पास में आगे जाके, और अपना वाला भी ई से आ रहा है वो अपन नहीं। कॉमन कैसा होगा मैं आपको और बतलाता हूँ यार, किसी का पेन कागज हो तो लिखना चाहिए आप लोगों ने। अभी ये जो सी वाला छड़ा है, सी वाले वॉल है ना, सी वाले वॉल का छड़ा जहाँ लास्ट पे आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझना ठीक है। सी वाले वॉल का विकास, ये जो है बाइक खड़ी है, सी वाला वॉल है ना, सी वाला वॉल का छड़ा कहाँ आ रहा है उस जगह पर, ये सीधा रास्ता नीचे उतार दो, उससे मिला दो बाइक वाले रास्ते से, ताकि हमें भी नेपियर काटने में हो और ये भाई भी सीधा आ जाए। मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको, इधर रहोगे विकास, इधर देखो ये जो सी है, ये अभी जो पाइप ऊपर चढ़ा है ये यहाँ से चढ़ा है, यहाँ से चढ़ा है ऊपर, इधर देख के यहाँ पर ही खड़े हैं ना लगभग हम, इधर बी आ गया आपका, सी और बी वो वाला छड़ा, वो छड़े की जहाँ तक ड्रिप आ रही है और ये छड़े की जहाँ तक ड्रिप आ रही है, ये रास्ता वहाँ से सीधा उससे मिला दो, ताकि वो छड़े जहाँ तक आकर खत्म हो तो बीच में रास्ता हो जाए सीधा के सीधा, समझ में आया? एक रास्ता कहाँ होगा, यहाँ से तो मुँह इनको निकालना ही है। अब तुम्हारा यहाँ से ये जो छड़ा आया, जितना भी यहाँ का परिसर है 75 मीटर, उसमें हर एक जगह में हम प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी जगह छूट ना जाए, किसी भी जगह कोई खाली पड़ी ना रहे, 110 मीटर, ये हर एक इंच न इंच जगह का इस्तेमाल किया जाए ऑटो पार्क के लिए, इसलिए एक पूरी सूक्ष्म माइक्रो प्लानिंग किया हुआ यहाँ पे, और यही इधर भी होगा, उसी पे बात करते रहे हमारे बलराम जी, यहाँ तक आया और रेड यहाँ पूरी टीम को सूचना देते हुए, उनको गाइड करते हुए, अब ये खेत अपना नहीं है, क्रॉस ये यही है, पूरे प्लानिंग के साथ हमने ये आगे बढ़ना है, यहाँ इस पूरी जमीन को, शायद ये मेड़ी पूरे लैंड को यहाँ से चढ़ा आ रहा है इस तक, हरा भरा करना है ऑटो पार्क के लिए, तो ये जो बीच की मेड़ है शायद यही आएगी, आप नापोगे तो कुछ आएगा, बी से लेफ्ट सी से लेफ्ट, बी से लेफ्ट सी से राइट, तो ये जो मेड़ सीधी गई है उस पोल तक, तो ये रास्ता कैसा हो जाएगा, ज्यादा जगह नहीं रोकेगा, सीधा यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, ये बोर है बीच में, इससे पास में से निकल जाएगा, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये जो लगा रखी है एक चीज की गड़बड़ी आएगी इसमें, कि हम यहाँ से जब सीधा ले जाएंगे तो ये वाले पॉकेट का जो छड़ा आएगा वो किधर घुसेगा, ठीक है, और इवन ये जो सेंटर लाइन है ना, ये जो ब्लैक निकले हुए ना पाइप बाहर, तो उनको भी ये तो बीच में भी रहेंगे, ये जो अभी पहले चरण की हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे पूरे 100 एकड़ में, तो आने जाने का रास्ता, जो घास कटने के लिए ट्रैक्टर, जो भी कुछ गाड़ी आएंगी उनके लिए रास्ता, और एक हम प्लान कर रहे हैं अभी यहाँ शायद दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे यहाँ देने में एक माइनस मुझे दिख रहा है, विजिटर्स आएंगे, किसान भाई आएंगे, जो भी ये ऑटो पार्क के लिए विजिट करेगा तो उनके लिए भी आने जाने का रास्ता, सब जगह का एक पूरा सा प्लानिंग कर दिया है, उसी प्लानिंग के साथ में हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, देखने के लिए, चलने फिरने के लिए, और इधर से लिया और जितना ज्यादा, तो वो रास्ते पे यही रुक जाएगी, यही एक प्लेटफॉर्म होगा अपना, ये प्लानिंग होगी, एक आपका हो गया, और जैसे हम प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं गौशाला, हिंगोनिया गौशाला में, ऐसी ही प्लानिंग यहाँ पर, ऐसी बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई है,
पूरे भारत में जहाँ कोई भी ऐसा खाली लैंड पड़ी हुई है वहाँ पर भी हम ये ऑटो प्लान ऑटो का प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये एक मतलब मॉडल हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा, इस तरह से आप सभी जगह ऑटो का प्लानिंग कर सकते हैं। इसी वजह से इसी कारण यहाँ पे हर एक जगह में ये वाला ई है, ये ई है। अगर मैं उधर में ध्यान से चले गया था, अगर मैं जितना ज्यादा रास्ता उधर ले जाता हूँ तो ई का छड़ा वहीं खत्म हो जाएगा और आगे फिर पोर्शन छूट जाएगा, है ना? एफ उधर है ना, वो एफ है ना। ये और एक काम चलता हुआ यहाँ पे ड्रिप डाली जा रही है पाइपलाइन में। ये सब सामान पड़ा हुआ है, पाइप ड्रिप। अब ये पोर्शन छोटा क्यों दिख रहा है पता है अय्यर? ये पोर्शन इसलिए छोटा दिख रहा है कि जो नक्ती वालों ने इतना ही नापा और इसको फ्लैट कराना था ट्रैक्टर से। तो ये होता आपका एफ, वहां तक जाता, सी तक मिलता, सी का एज मिलता। ये जो टेकड़ी है ना, ये एफ वाली टेकड़ी थी। ये दोनों पठार रह गए ना, इनको भी मिलाना है। जगदीश इधर आओ, आपको जगह क्यों छोटी दिख रही है? ए बी सी डी ई एफ जी, जगह कम आई था हमने। तो ऐसे छोटे छोटे डिवीजन बना लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये एफ का 10-10 एकड़ के, ये वाला हिस्सा है ना, ये ताकि ये वाला हिस्सा, ये कॉर्नर है, अच्छी तरह से प्लानिंग हो, ये वाला हिस्सा वो है, माइक्रो प्लानिंग हो। इसको ट्रैक्टर पहले यहां लगवा देना था, और उसी चरण में ये थोड़ा सा ये सब काम चलता हुआ। हाय किरण, क्या क्या कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो? ये सब प्लानिंग बता रहे हैं किसान भाइयों के लिए। ये ऑटो पार्क का हम यहाँ पे जो ऑटो पार्क बना रहे हैं पूरी जमीन में। हम हैं जयपुर राजस्थान हिंगोनिया गौशाला में, और यहाँ सस्टेनेबिलिटी के लिए बैम्बू फार्मिंग, नेपियर घास की फार्मिंग, और कहीं कहीं शायद ये पहले बोलेगा फ्लाई हो रहा है, देख रहे हो अपने तरफ प्लान फ्लाई हो रहा है। हम यहाँ पर कुछ पॉकेट में जा रहे हैं और गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या बेस्ट किया जाता है उस पर जा रहे हैं। आप सभी से आह्वान है, आप भी आना चाहो आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। हिंगोनिया गौशाला पूरे भारत को इनवाइट कर रही है, आइए अपना श्रमदान दीजिए, योगदान दीजिए, साथ दीजिए कि गायों के लिए चारा कैसे करें। ऑटू पार्क ने पहली हिंदुस्तान में फसल शुरुआत करी है, गायों के लिए 400 एकड़ में निशुल्क ऑटो की तरफ से ड्रिप इरिगेशन पूरा प्लांटेशन किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई गौशाला से पैसा नहीं लिया जा रहा है। हम पहला एक छोटा बेबी स्टेप उठाए हैं कि ऑटो की तरफ से गौशाला में ड्रिप इरिगेशन को दान करके हम गायों के लिए चारा कैसे सस्टेनेबल उगाएं और करें। तो आप सभी की भी आवश्यकता है, आइए अपना समय, अपना कर्म, अपना श्रम दान कर सकते हैं तो कीजिए, और हम साथ में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब ये जो पोर्शन है ये तुमको नक्शे में समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए छोटा था। तो इसको कैसा करेगा ये मुझे बता। इस उतार चढ़ाव में ऐसे में ही नेपियर लगा, थोड़ा बहुत फुड़वा लो, थोड़ी सी फुड़वा लो, ये टेकड़ी फुड़वा लो, इस गड्ढे को जितना भी ऐसे स्लोप में भर। धन्यवाद किशन भाइयों, अभी तुमने क्या किया है? मैं किरण, जो तुमको जगह कम पड़े ऑटो पार्क के साथ ये वाला वॉल कार आगे बढ़ते जुड़े रहे हमसे। नमस्ते, धन्यवाद।